अभी जो इस तरह का आप वीडियो देखें, इस तरह का रील्स अभी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो दोस्तों, इस तरह का रील्स बनाने के लिए बहुत ही ईजी है। तो बता दें, इस तरह का रील्स अगर आप बनाते हैं तो कहीं भी अपलोड करते हैं तो आप भी ढेर सारा व्यू पा सकते हैं। तो आइए हम रील्स को एडिट करना सिखाते हैं और बताते हैं आपको। सबसे पहले बता दें, इस वीडियो को बनाने के लिए एक एप्लीकेशन का ज़रूरत पड़ेगा। जो एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा तो आपको डाउनलोड कर लेना है। नाम है पिक्सल्स। इसमें पिक्सल्स में हमको आना है। सबसे पहले पिक्सल ऐप जैसे ही आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं न्यू टेक्स्ट का ऑप्शन आएगा। तो न्यू टेक्स्ट का जैसे ही ऑप्शन आएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं इसको डिलीट कर देना। डिलीट करने के बाद यहाँ पर प्लस पर आइकन क्लिक करना, टेक्स्ट पे क्लिक करना। टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको नाम लिखना है दोस्तों। तो नाम आपका जो भी है वो आपका नाम यहाँ पर लिखना है। सपोज दैट जैसे मेरा नाम अमित है, यहाँ पर हम अमित लिख लेंगे। अमित लिखने के बाद यहाँ पर सही टिक कर देंगे। सही टिक करने के बाद इसको हम बीच में ऐसे करके ले आएंगे, इसको थोड़ा कुछ इस तरह से बड़ा कर लेंगे और इसको इस तरह से घुमा लेंगे, इस तरह से इसको कर लेंगे। इतना करने के बाद दोस्तों, अब आपको करना क्या है, यहाँ बीच सेंटर में रख देना। अब आपको करना क्या, ए पे आना है। ए पर आने के बाद आपको फ्रंट में आ जाना है। फ्रंट में आने के बाद दोस्तों बता दें आपको, फ्रंट में आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपको ढेर सारा नाम मिल जाएगा। तो आपको जो भी स्टाइल में आपको रखना है वो स्टाइल में यहाँ पर नाम आप रख सकते हैं, जो यूनिक लगे देखने में आपको, जो भी अच्छा लगे वो आपको नाम एडजस्टिंग कर लेना और ओके कर देना है। सपोज दैट अभी हम ये नाम रखे हैं, अगर ये नाम अगर आपको अच्छा नहीं लगे और अगर आप चाह रहे फिर से इसको चेंजिंग करने तो वही आपको फिर से फ्रंट में चले जाना है। कोई भी नाम आपको सेलेक्ट करके ओके कर देना। सपोज दैट हम ये नाम रखे हैं। इतना करने के बाद आपको फिर से इस पर क्लिक करना, एडजस्टिंग कर लेना। एडजस्टिंग करने के बाद यहाँ पर आना है, इसको यहाँ पर सर्कल करना है। सर्कल करने के बाद यहाँ पर देख सकते आई को ओके कर देना है। ओके करने के बाद इसको एडजस्टिंग कुछ इस प्रकार से कर लेना है। इतना करने के बाद सही टिक कर देना है। सही टिक करने के बाद आपको 3D पे क्लिक करना है, इसको भी ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पर देख सकते कलर पे आना है। कलर पे आपको कलर, आपको जो भी कलर एकदम बैकग्राउंड में देना है वो कलर आपको दे देना है, जो यूनिक लगे देख सकते हैं इस प्रकार से, और सही टिक कर देना है। सही टिक करने के बाद अभी ये मेरा इतना कंप्लीट हो चुका है, इतना कंप्लीट हो चुका है। अब आपको बैकग्राउंड पे क्लिक करना है, इसको ऑन चाहे तो कर सकते हो, ऑफ रहने दीजिए। इतना करने के बाद अब आपको नाम कलर चाहे करना चाह रहे हैं तो कलर पे आ जाना है, यहाँ पर से कलर आपका हो जाएगा। नाम ये मेरा इतना कंप्लीट हो चुका है। तो अब आपको करना क्या है, यहाँ पर सही टिक कर देना है। सही टिक करने के बाद आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ट्रांसपेरेंट पे क्लिक करना है। ट्रांसपेरेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेव एज पे क्लिक करना है। सेव एज इमेज पे क्लिक करना है। यहाँ पर क्वालिटी को अल्ट्रा कर लेना है। PNG पे यहाँ पर सेव टू गैलरी में कर लेना है। ये मेरा अभी सेव हो चुका है। सेव होने के बाद आपको बता दें अब एप्लीकेशन का जरूरत पड़ेगा। अब आपको VN एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगा। तो VN एप्लीकेशन आपको ओपन कर लेना है। VN एप्लीकेशन आप जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं प्लस का आइकन आपको दिख रहा है, तो प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। प्लस के आइकन पर क्लिक करने के बाद आपको दोस्तों बता दें डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल मिलेगा, वहाँ से आपको वीडियो डाउनलोड कर लेना रोटेड मोबाइल वाला। तो आपको यहाँ पर उसको ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद हम अभी यहाँ पर देख सकते हैं, अभी हम उसको ऐड कर लिए हैं। ऐड करने के बाद लैंडिंग पार्ट को इसको डिलीट कर देना। ये अभी हम ऐड कर चुके हैं। ऐड करने के बाद आपको दोस्तों बता दें, ऐड करने के बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। मटेरियल पे क्लिक करना है। मटेरियल पे क्लिक करने के बाद ब्लैक स्क्रीन एक ले लेना है। ब्लैक स्क्रीन ले लेना है, कम से कम इतना जितना आपको रखना है। इतना रखने के बाद आपको कम से कम इसको थोड़ा लेंथ और बड़ा कर देना है, 7-8 सेकेंड इतना रखना है। इतना रखने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको उस नाम को ऐड करना। तो नाम प्लस के आइकन यहाँ पर देख रहा है, प्लस के आइकन पर वीडियो फिलिप क्लिक करना है और आपको अभी जो नाम जो इंपोर्ट किया है वो नाम आपको ऐड करना है। तो अभी हम नाम वो ऐड कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से, इसको हम बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पर इस नाम को कुछ इस प्रकार से बड़ा कर लेते हैं और इसके साइज को हम बराबर कर देते हैं।
मार्क्स पे आपको क्लिक करना है। मार्क्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं मिरर का ऑप्शन डबल वाला सेकंड में, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद इसको दोस्तों पहले आपको सटा देना है कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार से आपको सटा देना है। इतना सटाने के बाद आपको बता दे जहाँ से आपको रखना है, शुरू में आपको आ जाना है, प्लस पे क्लिक करना है और यहाँ पे इसको सर्कल को नीचे कर देना, नीचे कर देना थोड़ा तक, इतना तक रहने देना है। इतना रहने के बाद अब आपको इसको इस प्रकार से इसको फैला कर देना, इस प्रकार से जिस तरह से हम कर रहे हैं इस प्रकार से आपको कर देना है और सही ठीक कर देना। तभी ये मेरा कुछ इस प्रकार से बन के रेडी हो चुका है, अभी आप देख सकते हैं। अभी ये मेरा कुछ इस प्रकार से बन के रेडी हो चुका है। तो अब आपको इतना हो जाने के बाद अब आपको करना क्या है, अब आपको एक्सपोर्ट कर लेना। अब इसमें हिलने वाला हम ऐड करेंगे, तो एक्सपोर्ट करने के बाद अभी हम इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे। एक्सपोर्ट करने के बाद आप दोस्तों बता दें इसमें अब आपको हिलने वाला जो शेक इफेक्ट है उस आपको ऐड करना है। उसको ऐड करने के लिए आपको बता दें आपको कैपकट एप्लीकेशन ऑन करना पड़ेगा। कैपकट एप्लीकेशन ऑन करने से पहले आपको बता दें कि कोई VPN कनेक्ट करना होता था, कोई आपको VPN कनेक्ट कर लेना है। तभी हम VPN कनेक्टेड होने के बाद आपको कैपकट में आ जाना है। कैपकट आप जैसे ही ओपन करेंगे, जैसे ही ओपन करेंगे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं अभी जो वीडियो बना है उसको ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपको जहाँ से नाम है यहाँ तक आना है। यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर इफेक्ट पे क्लिक करना है, वीडियो इफेक्ट पे क्लिक करना है। वीडियो इफेक्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर ट्रेंडिंग में आपको आ जाना है। ट्रेंडिंग में आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ढेर सारा हिलने वाला इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पर शेक पे क्लिक करना है। शेक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसको थोड़ा एडजस्टिंग कर लेंगे, स्पीड को थोड़ा एडजस्टिंग कर लेंगे, इसको भी इतना कम से कम रहने देंगे, यहाँ से इतना, इसको कम से कम इतना रहने देंगे 14-15। अभी देख सकते हैं ये मेरा बन के कितना औसम लग रहा है स्पिन, इसको इतना रहने देंगे 8 कम से कम। इतना करने के बाद सही टिक कर देंगे, सही टिक करने के बाद अभी ये हम इसको फुल कर देंगे, बार लाइनिंग पार्ट इसको डिलीट कर देंगे। इतना रहने के बाद आपको बता दें डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिलेगा तो इसमें ऐड कर देना है आपको। तो ओवरले पे क्लिक करेंगे, ऐड ओवरले पे क्लिक करेंगे, वीडियो को ऐड करेंगे, इसका एक्सट्रैक्ट ऑडियो हम निकाल लेंगे, इसको अभी हम डिलीट कर देंगे। अभी हम इसको डिलीट कर दिए हैं तो अभी ये मेरा कुछ हो चुका है, अभी देख सकते हैं ये जो देखने में काफ़ी अमेजिंग लग रहा है। आशा करते हैं कि अभी इस तरह का वीडियो बना लिया होंगे। आप इसको एक्सपर्ट करना, एक्सपर्ट करना का नाम देख सकते हैं, एक्सपर्ट का ऑप्शन आपको सारा मटेरियल टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ।